हेलो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आयना सिंह। आई एम गोइंग टू टीच यू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट इज डिजिनिटी। ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री विथ द सेम डिजिनिटी एंड राइट्स। इक्वालिटी, एवरीवन हैज द सेम राइट्स। सबके सही अधिकार हैं और एक अधिकार है। इट डजंट मैटर व्हाट जेंडर यू आर। वो नहीं मतलब करता कि आप क्या जेंडर हो। व्हाट कलर योर स्किन, कि आपकी स्किन का क्या कलर है। व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, आप क्या लैंग्वेज बोलते हो। व्हाट रिलीजन यू प्रैक्टिस, आप किस रिलीजन की प्रैक्टिस करते हो। हाउ रिच और पुअर यू आर, आप कितने अमीर और गरीब हो। How different you are from those around you, कि आप उनसे कितने भी different हो जो आपके आसपास हैं। और what country you are from, किस country से आप आए हो। It doesn't even matter, वो नहीं matter करता है। Your government agrees with these rights, your rights is no matter what life, you have the right to free and safe life, आपके पास right है फ्री और सेफ लाइफ का। फ्रीडम यानी कि आज़ादी। नो वन हैज अ राइट टू मेक अ स्लेव, किसी के पास राइट नहीं है स्लेव बनाने का, यानी कि किसी के पास अधिकार नहीं है स्लेव बनाने का। सेफ्टी, नोबडी हैज अ राइट टू टॉर्चर यू, किसी के पास राइट नहीं है आपको टॉर्चर करने का, आपको बुली करने का और आपको पनिश करने का। सेवरली, अगर किसी ने गलती की है छोटी मोटी उसे माफ़ कर दो, इतनी ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, आदर। एवरीवन ही ह्यूमन इज द वर्ल्ड मोस्ट ट्रीटेड एज अ पर्सन। किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसमें बुराइयाँ भी हैं, किसी में कुछ बुराइयाँ हैं तो उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। उसके दोनों गुण हैं, वो पर्सन है, उसके पास राइट सबके पास सेम है। जस्टिस, everybody has a right to be treated equally before, सबके पास एक right है equally before करने का, treated equally करने का, कि law से पहले। अगर कोई बड़ी सी बड़ी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका भी right same है। हम इतनी छोटे जो public है, गरीब, एक भिखारी, एक राजा, एक भिखारी, सबके एक राइट्स हैं, प्रोटेक्शन। इफ़ योर राइट्स आर रिस्पेक्टेड, अगर आपके राइट्स का सम्मान किया जाए तो आपको मतलब कोर्ट ऑफ लॉ भी आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कोई टॉर्चर कर रहा है और आपके राइट्स को बुली कर रहा है तो आपके पास राइट्स बनता है, आपका अधिकार बनता है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएँ, उसकी रिपोर्ट करवाएँ। आपके पास ये भी राइट है, एक सिचुएशन है आपको शादी करनी है और माँ बाप कह रहे हैं आगे पढ़ना है, तो वो भी उनका राइट्स नहीं है। और अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, वो कह रहे हैं शादी कर लो, ये भी उनका राइट्स नहीं है। जो आपकी मर्जी आपको वो करना है, ये सब आपके राइट्स हैं। थैंक यू फ्रेंड।